बॉर्डर पर पेपर कैनवास इस्त्री मार के चिपका ले। कपड़े पर नाप से कॉलर काटने वाले हैं। नीचे की तरफ कॉलर से आधा इंच ज्यादा लेना है। ज्यादा बढ़ाया हुआ आधा इंच का भाग कैनवास पर अंदर से फोल्ड करके सिलाई की है। यहाँ पर तीनों ही तरफ बचे हुए कपड़े को काट लेना है। यहाँ पर नीचे बाजू पाव इंच बढ़ाकर कपड़ा काटे। इसके बीचों बीच मार्क करें। कॉलर दिखाए अनुसार मार्जिन अंदर से फोल्ड करके नोक उलट ले। इस तरह कॉलर उलटकर इस्त्री कर ले। तैयार किया गया कॉलर सामने रखें। दोनों ही भागों को फ्रंट गले के पास इकट्ठा करके कॉलर को लगा के लंबाई चेक कर ले। टॉप का गला छोटा ही काटने की वजह से टॉप का गला कम पड़ेगा। कॉलर के हिसाब से ही टॉप का गला होना चाहिए, उतना ही आगे का गला काट ले। कॉलर गले को अंदर से जोड़ ले। जोड़ते समय सिर्फ कॉलर के नीचे की साइड जोड़े। इस तरह कॉलर दिखेगा। अंत में अंदर मार्जिन रख के कॉलर को ऊपर से सिलाई मार ले। इस तरह दोनों ही टॉप्स तैयार होंगे। इस तरह से फ्रंट दिखेगा और इस तरह से बैक दिखेगा। बैक के अंदर का गला ट्रांसपेरेंट बीच में से सुंदर लगेगा।